विश्व मजदूर दिवस पे आप सभी को डॉक्टर स्मृति तिवारी कल्याण जी का बहुत बहुत शुभकामना। आ चुकी विश्व मजदूर दिवस है तो इसी के इर्द गिर्द अगर बातें हों तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए आज 1 तारीख है, 3 तारीख को लॉकडाउन सेकेंड फेज खत्म हो रहा है। एक सर्कुलर सरकार द्वारा जारी हुआ है कि जो भी मजदूर अपने घर आना चाहते हैं वो घर आ सकते हैं। वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि इस बात को आप सभी लोग, पूरे प्रदेश की सरकारें, केंद्र की सरकार, इस बात को जरा सोच विचार के, समझ करके, जान करके तब कोई फैसला लें। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में कोई ऐसा कदम उठ जाए जो आगे चल के सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी ना रहे। देखिए निश्चित रूप से हमारे जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके पास कोई काम नहीं है, वो बेचारे परेशान हैं, उनकी परेशानी को सचमुच में देखा नहीं जा रहा है। मैं भी इतने दिनों से सैकड़ों मजदूरों की मदद करके और उनकी बात करके उनसे देखा समझा तो निश्चित रूप से ये समझ में आया कि उनकी बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि ओनली द हील नोज वेयर द शू पिंचेस, जिसके ऊपर पड़ती है वही उस चीज को समझ सकता। मैं आग्रह करूंगा उन सरकार से, उन प्रदेश की सरकारों से जहां पे वो मजदूर फंसे हुए हैं, और उन सरकार से भी जहां पे उन्हें जाना है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि उनको घर भेज दिया जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। भाई वहां अगर वो समाधान उनके घर पर रहता तो आखिर वो जाते क्यों, सोचने की विषय है। लेकिन अब जब उनके पास वहां काम नहीं है तो करेंगे क्या, ये भी एक सोचने का विषय है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, एक इक्विलिब्रियम लाना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। देखिए 3 तारीख के बाद मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकाले जाएं जिससे कि जान भी और जहान भी दोनों चरितार्थ। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस बात को हम देशवासियों को भी एक धर्म समझ के चलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के बाद हमारी ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हम सामान्य रूप से जैसे पहले दिनचर्या जीते थे वैसे हो जाएगा। नहीं, ये मान के चले कि जब तक कोई प्रॉपर इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, जब तक इसका सही तरीके से इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता है, तब तक हमारा जीवन सामान्य होना ये कठिन है। तो हमें इस चीज को अपना धर्म समझ करके और आने वाले समय को व्यतीत करना है, तभी हम एक अच्छे देशभक्त कहे जाएंगे। यानी कि आपको पॉजिटिव रहना है, हाथ धोना है, 2 गज की दूरी बना के रहना है और अपने आप को अंदर से आत्मबल को मजबूत करके और रहना है, पॉजिटिव रहना, यही एक मंत्र है। और ये भी समझिएगा कि अब दिखावा करने का समय क्या, प्रकृति ने अपने संसाधनों से एक ऐसा आपको गाइड दी है, एक ऐसा आपको मतलब जानकारी दी है कि आप अब अपने संसाधन को कैसे जियोगे, ये मेरे हिसाब से जियोगे, अपने हिसाब से नहीं। तो ये बातें तो आपको करनी ही है। अब देखिए चूंकि प्रदेश की
सरकार जो है जहां पे मजदूर फंसे हुए हैं और जहां पे आना है, दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठा करके और जो उचित हो ऐसे ग्राउंड लेवल पे जो भी इंडस्ट्री चलाई जा सके जिसमें सोशल डिस्टेंस का प्रॉपर जो है प्रयोग करते हुए जब हम उसको जो है करेंगे तो जान भी बचेगा और जहान भी बचेगा। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जहां वो जाएं वहां के लिए भी वो समस्या पैदा करें। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे जिनको काम वहां मिल सकता है उन्हें रोक दिया जाए और जो बिल्कुल भाई वहां काम ना हो उन्हें अपने घर तक भी लाया जाए और तभी देश का सही मायने में जो है प्रॉपर इक्विलिब्रियम बन पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रदेश की और देश की सरकारों से विनती करूंगा कि इस समस्या को सोच समझ के और बिल्कुल इत्मीनान से ऐसा कोई रास्ता निकालें कि किसी तरह की समस्या भी ना हो और हमारा देश की अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।